परिवार के जवानों के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में यहाँ पर एक एसआई समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि रोज की तरह पीसीआर चनवा थाना क्षेत्र चनवा थाना की पीसीआर की टीम रोज की तरह पेट्रोलिंग करते हुए यहां पर आकर स्टे की थी, और जिसके बाद नक्सलियों ने इस इलाके को चारों ओर से घेरा और योजनाबद्ध तरीकों से माओवादियों ने पीसीआर के में बैठे जवानों और एसआई पर जबरदस्त गोलीबारी की, हमला किया, जिसमें एक एसआई समेत 3 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए। हमले के बारे में बताया जाता है यह कि रोज की तरह पीसीआर यहां पर आकर खड़ी हुई थी और माओवादियों ने काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से इलाके को पहले इलाके को घेरा, और इलाके को घेरने के बाद पीसीआर की तरफ आकर सटी। जब तक जवान संभलते उससे पहले माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग पीसीआर को स्टार्ट कर दी, जिसमें लातेहार जिला के एक एसआई सुग्रा उग्राव समेत होमगार्ड के 3 जवान शहीद हो गए। घटना के बाद नक्सली तकरीबन आधा घंटे इस घटनास्थल पर जमे रहे और सारे हथियार को घटनास्थल से उठाकर ले गए, और तकरीबन आधे घंटे बाद जब यहां पर सुरक्षा बल सीआरपीएफ जब यहां पहुंची तो सीआरपीएफ की यहीं पर नज़दीक में ही मुठभेड़ माओवादियों से पुनः हो गई। तकरीबन 15 मिनट यह मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के बाद इलाका शांत हुआ और उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया कोऑर्डिनेशन किया, एरिया में छापामारी अभियान चलाया और एरिया को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद जवानों के शव को चंदवा थाना पहुंचा। चंदवा थाना के बाद जवानों का शव अभी पुलिस लाइन पहुंच गया, जहां पर उन्हें शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लातेहार से मनोज दत्त।